क्या बैठ जाओ फ्री की सैलरी उठा रहे हो सालों तुम लोग, देखो प्रेजेंटेशन है कंपनी की गाय और कर दो सारे, तुम लोग को मजदूरी करनी चाहिए, आज ही में मजे उठा रहे हो साले। मैनेजमेंट तो मेरी गाय वाले की रहती है ना, शाम तक मुझे किसी हाल में प्रेजेंटेशन चाहिए। बात करें अबे क्या हो गया, आज क्यों चिल्ला रहा है वो इतना? यार इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? अबे प्रॉब्लम ये है कि मैं घटिंग कर दी और वो बहनचोद मेरा मैनेजर है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहनचोद मैंने कहीं सुना था कि नौकरी का मतलब होता है नौकरी, तुम चाहे कुछ भी कर लो या नौकरी बन के रहोगे। ये सारे चाहते हैं कि हम कुत्तों की तरह से पूंछ लाएं, उनकी गांड चाटते चाटते मर जाएं। सुन एक बार मैंने छुट्टी लेने की सोची, एक लाख बहाना मारा कि सर मेरी फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो क्या बोलता है, कहता है देख ले यार को रिलीज है, आ जा, तेरा अगर जाना जरूरी ना हो तो देख ले। तभी भैंचो अगर कोई लड़की आ जाती बोलती सर मेरे डॉगी ने काली टट्टी की है, क्या मैं आज रुक जाऊं? कहता ओह यस यस व्हाई नॉट श्योर, सो काइंड ऑफ यू दैट यू लव पेट्स, आई लव पेट्स टू। अबे तो भैंचो कुत्तों की फौज का सरदार बन जाना। और सुन तू कभी इससे 5 दिन की छुट्टी मांगियो, वो भी अगले महीने। तुझे 5 दिन का ऐसा प्लान बनाएगा, अगले महीने तक का शेड्यूल ऐसा बताएगा कि तू अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा रुक गया तो जो स्पेसशिप तू बना रहा है वो मंगल ग्रह पे नहीं पहुंच पाएगी। तू ये तो भूल ही जा कि तू कभी खुश कर सकता है। तू शिवलिंग पूजना शुरू कर दे, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि शिवजी प्रकट हो जाएंगे। मगर ये भूतनी के अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। तू इनके आगे लाख अगरबत्ती जला मगर फिर भी कद्दू की तरह से मुंह फुला के बैठ रहेंगे, चूतिया साले। और हाँ प्रेजेंटेशन, अरे प्रेजेंटेशन ही ना खत्म हो गए देती इनकी। अपना आइडिया इंप्लीमेंट करना हो तो प्रेजेंटेशन बना लो, इन चूतियों का आइडिया इंप्लीमेंट करना हो तो प्रेजेंटेशन बना लो। अब अगर तुम्हारे आइडिया पे अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बना सकता है? और चल अच्छा चल ठीक है चल बना भी दी, अब तो ये रेड क्यों नहीं है, ये ओवल शेप में क्यों नहीं है? डोंट यू थिंक हम 6 नंबर स्लाइड में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? अब आप भूत नहीं के, जब तुझे इतना ही लगता है कि तू 6 नंबर स्लाइड में चेंजेस कर सकता है, अब तो खुद ही क्यों नहीं बना लेता बस। लेकिन क्या कहना है तुम्हें, तुम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। अब घंटा बाबा जी का यार, अब सुन तुम सोचोगे वीकेंड है मजे लूंगा जिंदगी के, मगर भाई कुत्तों के वीकेंड नहीं हुआ करते। तुम्हारे पास है ना दुनिया की सबसे चूतिया इन्वेंशन ये फोन, तुम्हारे पास फोन आ जाएगा, फोन ना उठाओ मैसेज आ जाएगा, क्लाइंट का ईमेल पढ़ा? अबे नहीं पढ़ा, तेरे जैसे शौक नहीं है हमारे, वीकेंड पे पिछवाड़ा खोल के बैठे रहो कि जी आई एम तो ऑलवेज अवेलेबल। अगर तूने कॉल बैक कर भी लिया कि सर एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी था, तो बोलेगा ओ आई वाज नॉट अवेयर, चलो ठीक है ऑफिस में बात करते हैं। अब तो खत्म के लेके गले में छिलके, जब तुझे ऑफिस में ही बात करनी थी तो मुझे फोन ही क्यों किया? ऑफिस पहुंचो, चूतिया को दिखाई दे रहा होगा कि कंधे पे से बैग नहीं उतरा अभी, मगर फिर भी रोक लेगा मैंने एक ईमेल भेजी है पढ़ी? अबे नहीं पढ़ी तेरी ईमेल, तूने मेरे दिमाग में कोई डिवाइस नहीं इंस्टॉल करा रखा कि तेरी ईमेल आई और मुझे पढ़ के सुनाई दे गई, फिर भी नहीं मानेगा। जैसे बैठो तुरंत रिमाइंडर आ जाएगा आई हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई। अबे तेरी ईमेल के अलावा मेरे पास बहुत काम होते हैं, सारी गलती इन इंजीनियरिंग कॉलेज वालों की है। ऐसे प्रिटेंड करते हैं ये हमारा स्टूडेंट 10 लाख के पैकेज पे, ये हमारा स्टूडेंट 12 लाख के पैकेज पे, आईटी में जाओ मजे उड़ाओ, इसके आगे की तुम्हें कोई नहीं बताता, इसके आगे की तुम्हें मैं बताऊंगा। अगर एम्प्लॉय 5 मिनट लेट हो जाए तो प्रॉब्लम, अगर एम्प्लॉय नीचे 10 मिनट सुट्टा मारने चला जाए तो प्रॉब्लम, कोई ये नहीं देखता कि 2 दिन पहले 5 घंटे मना रहा था ऑफिस में। अगर तुम्हारा बॉस गलती से तुम्हें खुश देख ले तो समझ लो कि एक नई टास्क लिस्ट तैयार है, बोलेगा शैलेश आई नीड दीस थिंग्स थोड़ा अर्जेंट है, जबकि तुम्हें पता है उसमें अर्जेंट जैसा कुछ नहीं है, मगर उसके बाद दे ईमेल, उसमें ये अपडेट वो अपडेट, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। तुम अगले दिन आओ फिर भी तुमसे पूछेगा कल का कोई अपडेट? सारा कमोड़ में मूत्र जाएगा ना, वहां भी सोच रहा होगा क्या कोई नई जगह है जहां मैं इससे अपडेट मांग सकता हूँ। अप्रेजल, अब जब अप्रेजल का टाइम आएगा ना तो तू ये समझ ले कि तुझसे ज्यादा नाकारा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। तुझे ऐसे ऐसे पॉइंट बताएगा कि तू खुद से पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि यार क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं इतना कामचोर हूं? तुझे 1 घंटे के डिस्कशन में एक होनहार एम्प्लॉय से एक चूतिया मजदूर बना के रख देगा। भाई माँ कसम मेरे तो कभी कभी ये मन करता है ना कि साले को बोरी में बंद करके अपने गांव में ले जाऊं और वहां जाके ना इसे भैंसों के गोबर उठाऊं, इससे पूछूं ये देखिए काली भैंस है
और ये गोरी भैंस है, साले दोनों जैसे गोबर क्यों करती है कोई लॉजिक तेरे पास? और साले में जब मन करे ना साले में घूंटू घूंटू और साले में कौन ही बजा डालू। साला चूतिया साला, ये देख आ गया चूतिया का फोन। यस सर, I am fucking on it sir. I'm sorry sir. I am working on it. Yes sir. Guys, अगर आप अपने मैनेजर से इतने ही परेशान चल रहे हो then do subscribe to our channel. और अगर आप इससे भी ज्यादा frustrated चल रहे हो then do share this video to your manager. And please show some love to WTF Joan. Thank you.